molestation फेस करनी पड़ रही है बिकॉज उनको तबलीगी जमात के इस्लामिक प्रीचर्स को ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है, तब आप वो नर्सेस और डॉक्टर्स को बिलीव नहीं करती. सो दिस इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट, जो ऑब्वियसली एक कॉम के पुरुषों को कंप्लीटली ब्लाइंडली शेल्टर करते हैं और उनको छुपाते हैं, उनके क्राइम्स को छुपाते हैं, चाहे बलात्कार में वो इन्वॉल्व हो, चाहे मोलेस्टेशन में वो इन्वॉल्व हो. साथ साथ में ये ऑब्वियसली जो फेमिनिस्ट हैं, मैंने सोनम कपूर के बारे में बात करी, मैंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करी, अब मैं एग्जाम्पल दूंगी जायरा वसीम का. जायरा वसीम ने मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया था ओवर अ हिंदू को पैसेंजर, ये कह के कि फ्लाइट के अंदर वो हिंदू को पैसेंजर ने टोनेल से उसके साथ मोलेस्टेशन किया. बहुत आउटरेज हुआ, बहुत सारी फेमिनिस्ट ने जायरा वसीम को सपोर्ट किया. अब बाद में पता चला है कि शायद ये केस फेक था एंड इसने ऑब्वियसली ये जानबूझ के किया या किसी के बहकाने से किया, हमें नहीं पता. मगर वो पुरुष की जिंदगी तो ऑब्वियसली खराब हो जाती है, उसकी फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है, सबके ऊपर असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि जायरा वसीम एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया. This was also a classic example of feminism, क्योंकि यहाँ पे ज़ायरा वसीम एक मुस्लिम एक्ट्रेस थी एंड इल्जाम उसने लगाया था एक हिंदू आदमी के ऊपर. तो बहुत examples है feminism के हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे जर्नलिज्म हो, और इन examples से हम feminism की thought process समझ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो 9 मिनट का जो दिया जलाने की प्रतिक्रिया थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों का असली रूप आया, चाहे वो सेला रशीद, जी हाँ, वो एक जेएनयू की छात्र है. ये दूसरी बात है कि जेएनयू में सब छात्र ही रहते हैं. तो ये इसने भी ये कैंडल या दिया जलाने से मना कर दिया, ये कह के कि ऑब्वियसली वो ये नहीं कर सकती क्योंकि उसे खाना बनाना है. मगर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उसका एक ट्वीट देखते हैं जहां पर वो ढाका के विक्टिम्स के लिए कैंडल जलाने के लिए कह रही होती है. सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ दिस शैला रशीद, अरफा खानम शेरवानी, जो जर्नलिस्ट कम पॉलिटिशियन कम ब्ला 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 इंटेलेक्चुअल्स हैं. दूसरी और फेमिनिस्ट का एग्जांपल्स है सोनम कपूर का, प्रियंका चोपड़ा का एंड जायरा वसीम का, जो ऑब्वियसली बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं मगर ऑब्वियसली अपने आप को अपनी राय रखते हैं ओवर मैटर्स विच आर रिलेटेड टू हिंदू ट्रेडिशंस, मगर इस्लामिक ट्रेडिशंस के समय वो गायब हो जाते हैं. जी हाँ, सोनम कपूर विल फाइंड फास्टिंग, जो हम करते हैं करवा चौथ के समय, वो एक रिग्रेसिव एक्टिविटी है, मगर उसे फास्टिंग ड्यूरिंग रोजा एक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी रखती है. तो ये है इनकी मानसिकता, और इनकी मानसिकता आज सोशल मीडिया के समय एक्सपोज होती है क्योंकि उनके पुराने ट्वीट्स हम दिखा सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे ये अपना रंग बदलते हैं अपना फायदा देखने के लिए. इनफैक्ट कुछ लेडीज हैं जो किसी ने एक स्टेटमेंट करी थी कि फेमिनिज्म की वजह से डिवोर्स रेट्स भारत के अंदर बढ़ रहे हैं. आई थिंक आरएसएस के चीफ सर संचालक मोहन भागवत जी ने कोई स्टेटमेंट करी थी जिसको मीडिया ने थोड़ा मोड़ तोड़ दिया था. तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब दोनों पार्टनर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फियर्सली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं भारत के अंदर एंड भारतीय संस्कृति को नहीं समझते, तो वो ऑब्वियसली ईगो की वजह से एक दूसरे की बात नहीं मानते. दैट इज वॉट ही वॉज वॉन्टिंग टू से मोहन भागवत जी, जो एक सच बात भी है क्योंकि आदमी और औरत दोनों को साथ चलना चाहिए, मगर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर भारत के अंदर भारतीय सिटीजन ऑब्वियसली हिंदू प्रथा और कल्चर्स के बारे में रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस फैलाते हैं, मगर ये थॉट प्रोसेस इस्लामिक रिचुअल्स के ऊपर उनकी नहीं होती. उनको घूंघट रिग्रेसिव लगता है मगर बुर्का फ्रीडम ऑफ चॉइस लगता है. जी हाँ, ये उनकी थॉट प्रोसेस है. सो फेमिनिज्म जो इंडिया के अंदर है, लुकिंग एट दीज एग्जांपल्स, वो ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वो एक तरीके से हिंदू बैशिंग है, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हिंदूज
बचपन से ही मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक सेक्युलर माइंडसेट रखते हैं और अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है उनकी सोसाइटी के अंदर तो वो काम करते हैं उसे निकालने के लिए। जैसे अब हम सब हिंदुओं को पता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है भारत के अंदर और हमें लॉकडाउन के तहत घर में रहना है, तो हम सब इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, जितने भी पढ़े लिखे हिंदू हैं हम सब इस लॉकडाउन का पालन करेंगे। मगर दूसरी ओर आप देख रहे हो कि तबलीगी जमात के लोग जानबूझकर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, वो ये बात समझने को ही तैयार नहीं है कि लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना वायरस को स्टेज 3 से पहुंचने से पहले खत्म करना है। तो ये जो सोच है, ये सोच हम हिंदुओं में है, हम हमारे अंदर की रिग्रेसिव रिचुअल्स को भी खत्म करते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो। मगर जो ये फेमिनिस्ट होते हैं ये इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते, और फेमिनिस्ट एक्चुअली फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो एक इस्लामिक ट्रेडिशन है उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। फेमिनिस्ट ने कभी भी ट्रिपल तलाक अबॉलिशमेंट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को शाबाशी नहीं दी। फेमिनिस्ट ऑब्वियसली जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं जहां पे विमेन को सेकेंडरी समझा जाता है उसके ऊपर कभी बातचीत नहीं करते। तो ये जो फेमिनिस्ट हैं भारत के अंदर, ये ऑब्वियसली एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा करती है और इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ। बिकॉज मैंने बॉलीवुड में थोड़ा बहुत काम किया है, टेलीविजन में काम किया है, तो मैं जब इनके ऊपर बोलती हूँ तो शायद मीडिया वालों को एक न्यूज मिल जाती है, सनसनी न्यूज, और ये इसको छापते हैं। मगर मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, क्योंकि समवेयर आई फील कि एज अ हिंदू मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए टू बी अ हिंदू। मुझे बरसों से हरदम बोला गया है कि मैं सेक्युलर हिंदू हूँ, बट मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हरदम ही सेक्युलर रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सिमिलरली मुझे एज अ औरत बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे क्या राइट्स है, क्योंकि मेरे धर्म के अंदर तो औरतों को पूजा जाता है। जी हाँ, वी हैव फेस्टिवल्स वेयर विमेन आर वर्शिप, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो पोंगल हो, हमारे यहाँ मंदिर है जहां पर हम स्पेशली औरतों की पूजा, मतलब लेडी गॉडेसेस की पूजा करते हैं। मगर ऑब्वियसली ये बात के ऊपर फेमिनिस्ट कभी भी अपनी विचारधारा नहीं रखेंगे, मगर अपनी विचारधारा रखेंगे सबरीमाला इशू के ऊपर, जहां पर एक प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है कि क्यों मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये ऑब्वियसली अभी फिर से जागेगी जब रिव्यू पेटिशन आएगा फॉर सबरीमाला, बिकॉज उनको दिखाना है कि वो कितने प्रोग्रेसिव है। मगर कितने मस्जिद है मुझे बताइए जहां पे विमेन की एंट्री है भारत के अंदर, ये मैं पूछना चाहती हूँ इन फेमिनिस्ट से। मगर तब ये लोग कुछ जवाब नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक बनना है, उनको सिर्फ रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात करनी है, तो हिंदुइज्म के बारे में बात करनी है, सनातन धर्म के बारे में बात करनी है, ये उनका दोगलापन है। तो मैं एक भारतीय नारी जो ऑब्वियसली अपनी भारतीय संस्कृति को अब समझने की कोशिश करती हूँ, समझ रही हूँ कि ये फेमिनिज्म का जो ड्रामा है भारत के अंदर ये एक दोगला ड्रामा है। हमारे धर्म के अंदर जहां पर औरतों को पूजा जाता है, जी हाँ, कोई भी और धर्म के अंदर औरतों को समान दर्जे पर पूजा नहीं जाता, उसके बावजूद कहा जाता है कि सनातन धर्म इज रिग्रेसिव बाय द फेमिनिस्ट, दिखाता है कि फेमिनिस्ट कितनी दोगली है। वो ऑब्वियसली ये विचारधारा को इतने सालों से प्रमोट करती हुई आ रही थी भारत के अंदर, क्योंकि उन्हें शायद ये कहा गया था करने के लिए, या ये कोई वेस्टेड इस्लामिस्ट फंडिंग द्वारा प्रोपोगेंडा था, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। हमारे देश के अंदर ये जो थॉट प्रोसेस है कि, या हमारे मंदिरों के अंदर ये जो थॉट प्रोसेस है कि औरतों को मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं जाना चाहिए, जो सनातन धर्म की थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एनर्जीज अफेक्ट होती है, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हमारी भगवान की इन दैट मूर्ति जिस जो मंदिर में रखी जाती है, एंड मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे विमेन आर एज प्योर एज गॉडेसेस। तो अगर वो विमेन मंदिर जाती है तो द आत्मा और द प्राण प्रतिष्ठा फ्रॉम दैट आइडल कैन एक्चुअली ट्रांसफर बैक इन टू दैट वुमन हु इज मेंस्ट्रुएटिंग। ये भी एक साइंटिफिक लॉजिक है।
मगर ये सब लॉजिक कोई समझना नहीं चाहता जो फेमिनिस्ट है भारत के अंदर. वो ऑब्वियसली ये कहना चाहते हैं कि ओ माय गॉड, सनातन धर्म में मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को आप मंदिर में नहीं जाने देते, बट आप मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर तो विमेन की एंट्री ही नहीं है, चाहे वो मेंस्ट्रुएटिंग कर रही हो या नहीं कर रही हो. तो दिस इज द दोगलापन. बट जो चीज को जोर शोर से बोला जाता है भारत के अंदर, उस चीज को सच माना जाता है. तो आज हमें भी अपनी बातें जोर शोर से रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपनी बातें आज जोर शोर से नहीं रखेंगे तो अगली बार रखने का मौका नहीं मिलेगा. क्योंकि ये फेमिनिस्ट ऑब्वियसली एक तरफा बुर्खा को फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलती हैं और दूसरी तरफ घूंघट को रिग्रेसिव बोलती हैं. ये फेमिनिस्ट ऑब्वियसली हमारे देश भारत को या तो इस्लामिक कंट्री की तरफ लेकर जा रही है, या तो ये ऐसा कुछ कर रही है जो करने से हमारी संस्कृति कंप्लीटली खत्म हो जाएगी. हमारे देश के अंदर डिवोर्स रेट्स एक्चुअली बढ़ चुके हैं, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज विमेन जो पढ़ रही है आज के जमाने में वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय दीज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस. एंड ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो खुद तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, जी हाँ, सोनम कपूर टाइप्स हो या प्रियंका चोपड़ा टाइप्स हो, ना तो ये स्कूल गए होते हैं प्रॉपरली या कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, इनको पता भी नहीं होता क्या सही है क्या गलत है. बस बचपन से अभिनेत्री बनना है और वो ही ख्वाब को पूरा करने के लिए वो काम करते रहते हैं. तो इनकी सोच से हमारी देश की जो नवी पीढ़ी है, द महिला नवी पीढ़ी, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है और वो समझती है कि ओ माय गॉड, करवा चौथ यानी रिग्रेसिव, मगर रोजा में फास्टिंग करना इज प्रोग्रेसिव. तो ये गलत है. इसलिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए इस सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि जितना हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे उतना अच्छा है. डिबेट इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. हम डिबेट करने से पहले ऐतराते थे ये सोच के कि ओ माय गॉड, हम तो हिंदू है, हम क्यों डिबेट करें, हमारे धर्म में तो सब कुछ अलाउड है, चिल्ड आउट है. मगर हमें डिबेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे. हमें हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारे धर्म की धार्मिक बुक्स क्या है, क्योंकि ये सब करने से हम उन्हें बचपन से ही अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सो दैट आगे जाके वो अच्छे भारतीय नागरिक बन सके. सो फेमिनिज्म एक वेस्टर्न वर्ड है जो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने शायद दिया होगा, और इतने सालों से कांग्रेस ने आग डाल डाल के इस शब्द को बड़ा किया है. और फेमिनिज्म कहीं से भी विमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं है मेरे हिसाब से. जो हमारे देश की स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो चाहे वो हिमा दास हो, ये ज्यादा एम्पावर करती हैं विमेन को, भारत की विमेन को, बाय सेटिंग एग्जांपल्स इंटरनेशनली देन द प्रियंका चोपड़ास एंड द सोनम कपूर. मगर बिकॉज हम मैरी कॉम को स्क्रीन पे नहीं देखते इतना, या हिमा दास को स्क्रीन पे नहीं देखते इतना, या हम सायना नेहवाल को स्क्रीन पे नहीं देखते इतना, हम इनकी कहानियों को नहीं जानते, हम एक प्रियंका चोपड़ा को स्क्रीन पे देखते हैं या सोनम कपूर को स्क्रीन पे देखते हैं, तो हम इनकी कहानियों को बिलीव करते हैं, हम इनकी इंटरव्यूज को बिलीव करते हैं. तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करें, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट इज स्मृति ईरानी, यस, बिकॉज शी इज सम लेडी जिन्होंने एक नॉन टेलीविजन या नॉन फिल्म बैकग्राउंड से फिल्म में नाम कमाया, उसके बाद जाकर वो हमारी देश की मिनिस्टर बनी. शी इज एक्चुअली हैंडलिंग टू पोर्टफोलियोज एट प्रेजेंट. स्मृति ईरानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बट हमारे देश के अंदर दे विल से सोनम कपूर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. क्यों? क्योंकि उनके फादर उनकी पिक्चरों में पैसा डाल के उनकी एक के बाद एक पिक्चर रिलीज करते हैं, एंड शी गोज ऑन मेकिंग फन ऑफ हिंदू रिचुअल्स टू बी इन न्यूज. सो दिस इज द irony of India, and हमारे जो नए पीढ़ी है उनको influence करने के लिए, उनके साथ discussion करने के लिए हमें obviously social media का platform इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सब discussions करनी पड़ेगी. ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं अपनी सोच हरदम खुली तौर से रखती हूँ. ये दूसरी बात है कि आजकल मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया गया है, बिकॉज वो समझते हैं कि मैं हेट स्पीच प्रमोट करती हूँ. जी हाँ, सोशल मीडिया के जो फेसबुक के ऑफिशियल्स हैं, सो दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट.
बट मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आई शुड टॉक टू पीपल पीपल हु आर इंटेलिजेंट पीपल हु आर एजुकेटेड. आप लोग थिंकिंग क्लास हैं सोसाइटी के, आप लोगों की फैमिलीज हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों की सिस्टर्स हैं, आप लोगों की यू नो वाइफ्स हैं, एंड आप लोग जो इन्फ्लुएंस करेंगे उनको विद योर थॉट प्रोसेस, वो लोग आगे जाके और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड दैट इज अ चेन रिएक्शन. आप लोगों को समझना चाहिए कैसे फेमिनिज्म एक तरह का मजाक बन गया है भारत के अंदर, एंड ये मजाक को मजाक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. और जो लोग फेमिनिज्म का नकाब पहन के हिंदू रिचुअल्स हिंदू प्रथाओं का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो सबरीमाला की ट्रेडिशन ही क्यों ना हो, उन्हें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि सबरीमाला अगेन इज समथिंग विच इज मेड कॉन्ट्रोवर्शियल बाय दीज फेमिनिस्ट. क्योंकि सबरीमाला में लॉर्ड अय्यप्पन की प्राण प्रतिष्ठा है जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे. बाकी लॉर्ड अय्यप्पा के टेम्पल्स के अंदर विमेन की एंट्री है एक्सेप्ट द वन इन सबरीमाला, मगर इस इशू को ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के नाम पे प्रमोट किया गया, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास्ड अ वर्डिक्ट कि विमेन को एंट्री अलाउ करनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक हम अपनी आवाज नहीं रखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी दब जाएगा इस फेमिनिज्म के नकाब के पीछे. क्योंकि ये फेमिनिज्म के नकाब के पीछे जब बात आती है ट्विंकल शर्मा के रेपिस्ट के बारे में बात करने के, जो एक मुस्लिम आदमी था, तब ये फेमिनिस्ट गायब हो जाती है. ये फेमिनिस्ट ऑब्वियसली तब आती हैं जब कथुआ रेप केस के ऊपर डिस्कशन करना है. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से रेप लोकेशन वॉज अ देवी स्थान. तो जब हम अपनी आवाज नहीं रखेंगे अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये फेमिनिस्ट ऑब्वियसली अपना फायदा देखकर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र को नष्ट करेंगे. सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड एटलीस्ट टॉक अबाउट इट. मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर आ जाओ, रोडों पे आ जाओ, दंगा करो, कुछ करो, नहीं. मगर आप अपने विचार स्पष्ट रखो रिगार्डिंग दीज फेमिनिस्ट कि कैसे वो आपको, आपके धर्म को, आपकी रिचुअल्स के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करते हैं. ये विचार आप रखोगे तो ऑब्वियसली वो लोग को डर लगेगा आगे से ऐसा कहने के लिए ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. एंड यस, वी शुड बॉयकॉट देयर फिल्म्स, वी शुड बॉयकॉट देयर वर्क जिसकी वजह से वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अगर वो इस तरह से हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को टारगेट करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी. Even when I spoke on this topic पहले, जब मैं Facebook पे live जाती थी या मैंने कोई videos बनाए थे on Sabarimala, कि हमारे देश के अंदर women empowerment के बहुत सारे examples हैं, मगर women empowerment का मतलब feminism करते ही नहीं है. हमारे देश के अंदर women empowerment लड़कियां समझेंगी कनिका कपूर है, मगर वो नहीं है. शी इज अ इररिस्पॉन्सिबल वुमन जो एक सिंगर तो बन गई, मगर वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल थी कि उसने जानबूझकर कितने लोगों को इन्फेक्ट किया विद कोरोना वायरस. तो कनिका कपूर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इररिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन. मगर दूसरी ओर जितने भी सैनिटेशन में हेल्प करने वाली लेडीज हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो ऑब्वियसली इतने नोन नहीं है, जिनका नाम नहीं है, वो एग्जांपल्स है विमेन एम्पावरमेंट के. क्यों? क्योंकि वो भी इस पैंडेमिक के समय अपने घरों को छोड़कर लोगों की जान बचा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये उनका धर्म है, ये उनकी ड्यूटी है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमन, एंड इस ब्यूटी को समझना बहुत जरूरी है. ये दूसरी बात है कि वी ऑल गेट वेरी अट्रैक्टेड बाय बॉलीवुड. इवन आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय बॉलीवुड बिकॉज मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं अहमदाबाद से मुंबई आई और मैंने मुंबई में काम किया, जो भी काम किया, जैसे भी मैंने अपनी जर्नी शुरू करी. मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉलीवुड इज ग्रेट, बट हमें उस ग्रेट ग्लैमर इंडस्ट्री से अपना एंटरटेनमेंट लेना है, ना कि अपने धर्म की शिक्षा लेनी है, चाहे वो धर्म की शिक्षा सोनम कपूर दे रही हो या प्रियंका चोपड़ा दे रही हो या एक अब नॉट सो एक्टिव ज़ायरा वसीम दे रही हो, बिकॉज ज़ायरा वसीम ने अपना बॉलीवुड का करियर क्विट कर दिया ड्यू टू रिलीजियस रीजंस. मगर इस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी कुछ नहीं बोला. जी हाँ, ज़ायरा वसीम आफ्टर दैट मोलेस्टेशन ड्रामा क्विट हर बॉलीवुड करियर, सेइंग दैट इट इंटरफियर्स विद हर रिलीजियस
थॉट प्रोसेस और वो उसे अल्लाह से दूर करता है. मगर इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी फेमिनिस्ट ने जायरा वसीम को सपोर्ट किया था इन दैट मोलेस्टेशन केस वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये बोलने से ऑब्वियसली वो प्रूव करते हैं कि मे बी देर इज जेंडर इनइक्वालिटी इन इस्लाम. तो ये है इनका दोगलापन कि जो भी फेमिनिस्ट जायरा वसीम को सपोर्ट कर रही थी एक मुस्लिम सक्सेसफुल आमिर खान की एक्ट्रेस को ओवर दैट मोलेस्टेशन केस वो सब गायब हो गई जब जायरा वसीम ने अपना बॉलीवुड का करियर त्याग कर दिया ये कह के कि बॉलीवुड में काम करना उसे अपने अल्लाह से दूर कर रहा है. तो मैं खाली आप लोगों के सामने ये एग्जांपल्स रख रही हूँ क्योंकि आप लोग अपने दिनचर्या की एक्टिविटीज में इंसिडेंट्स को भूल जाते हैं जो इंसिडेंट्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि इसी तरह से हम ये बात भूल गए कि हिंदू एक समय अफगानिस्तान में भी था, हिंदू एक समय इंडोनेशिया में भी था, हिंदुस्तान इतना बड़ा था, मगर यही सेक्युलरिज्म के नैरेटिव ने हमें सब जगह से धक्के मार मार के इंडिया में समेट दिया. और अब इंडिया में भी इतने सालों के बाद हमारा कश्मीर हमारा हुआ है, आर्टिकल 370 निकला है. तो हमें ऑब्वियसली इन बातों को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि 1990 की जो घटना हुई विद कश्मीरी पंडित उसके बारे में भी फेमिनिस्ट कभी बात नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली शाहीन बाग के पर ड्रामा करेंगे और बोलेंगे कि आपको कागज मत दिखाइए. तो ये इस तरह से आपको बेवकूफ बनाते हैं. तो इसलिए आपको मुझको हर दम इस बात को याद रखना है कि जो भी अपने आप को भारत के अंदर फेमिनिस्ट बोलेगा वो फेमिनिस्ट नहीं है, एक दोगला इंसान है, वो अपनी निजी फायदे के लिए आपके धर्म आपकी संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है. So this is my thought process on feminism in India and its anti-Hindu propaganda, जो मैंने आपको कहा with certain examples जिनके साथ आप शायद relate कर सकें. धन्यवाद पायल जी. अब हम हमारा सवाल जवाब session start करेंगे. सवाल जवाब सेशन स्टार्ट करें उसके पहले कुछ सूचनाएं. सवाल जवाब सेशन के दौरान आप कृपया अपना कैमरा या वीडियो ऑन रखें. सवाल जवाब के सेशन के दौरान सवाल युवा और महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन ढंग से चुने जाएंगे. आशा है कि अधिकतर सवाल युवा और महिलाओं की ओर से पूछे जाए. जिनको भी सवाल पूछना है वो अपना रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं या फिर चैट में अपना सवाल लिख सकते हैं. पीयूष देसाई जी. नो देयर इज नो क्वेश्चंस. वी अप्रिशिएट द टॉक. ओह थैंक यू. आई जस्ट ट्राई टू टॉक एंड आई जस्ट ट्राई टू से जो मुझे लगता है कि मैं बोल सकती हूँ लीगली, बिकॉज मुझे लीगली सेफ रहना है. आप सबको पता है कि कैसे मैंने मोतीलाल नेहरू के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो मैंने एक थर्ड पार्टी से लिया था एंड कांग्रेस की सरकार ने मुझे उसके लिए जेल में डाल दिया था. सो इट वॉज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रखूँ लीगली एंड लीगल दायरे के अंदर. ओके धन्यवाद. मेघा चित्तालिया जी. मेघा जी am I supposed to hear the question or yeah we are just connecting. Okay. Next is Harish ji. Just a minute. Mega can you aapko awaaz aa rahi? Hello Mega ji. Hello. Okay. Unka awaaz nahi aa raha shayad mic band hai. We can go to next question. Okay Harish ji. हेलो नमस्कार. नमस्ते जी. थोड़ा क्वेश्चन जैसे कि आपने बताया कि ऐसा पूछना है कि जो आपको इलीगल कोई प्रॉब्लम ना कर सके, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही था कि कुछ साल पहले तक फिल्म इंडस्ट्री के सब हीरो हीरोइंस वगैरह दुबई में पार्टीज करने जाते थे और किसके लिए जाते थे वो सब जानते थे.
तो आज भी क्या ऐसा है कि वो जो पावर्स हैं, एक्सटर्नल पावर्स हैं, आज भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को डिक्टेट करते हैं कि उनको क्या स्टेटमेंट करना है क्या नहीं, ऐसा संभावना मुझे लगती है। इसीलिए ये अपने देश के होके भी इतने हद तक देशद्रोही तक, धर्मद्रोह तक की बातें करते हैं। ये कितनी हद तक लगता है कि आज भी इतना सक्षम और प्रभावी उनका होल्ड है इंडस्ट्री पे, ये सब हो रहा है? देखिए, मैं ऑब्वियसली ये बात को सुनती हुई आ रही हूँ कि दुबई का बहुत होल्ड है इंडस्ट्री पे। हमने जब सोनम कपूर की बातचीत करी, हम जब सोनम कपूर के बारे में कुछ भी बातचीत करते हैं तो उनके फादर अनिल कपूर की फोटोग्राफ देखते हैं दाऊद इब्राहिम के साथ या छोटा शकील के साथ। जी हाँ, ये लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं। तो जब भी हम ये सब के ऊपर बातचीत करते हैं तो सोनम कपूर जी जैसी फेमिनिस्ट कहती हैं कि वो क्रिकेट का मैच था तब उनके फादर दिखाई दिए गए इन सब अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ। मगर मैं सिर्फ इतना ही समझती हूँ क्योंकि मैं इतनी रिसर्च नहीं किया है इस टॉपिक के ऊपर, मगर मैं इतना ही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदू एक्ट्रेसेस हैं, जो हिंदू घरों में पैदा होती हैं, जिनको खुद पता है कि उनके घरों के अंदर कितनी फ्रीडम है, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली एक्ट्रेसेस बन गई, वो अपने लाइफ पार्टनर्स अपनी मर्जी से चुनती हैं, इस सब कुछ पाने के बाद, इतनी सब फ्रीडम होने के बावजूद ये ऑब्वियसली अपने धर्म की क्रिटिसिज्म करती हैं, तो ये किस वजह से करती हैं? तो इसका ऑब्वियसली नतीजा यही निकलता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी जो फिल्में होती हैं, स्पेशली सोनम कपूर को तो कोई बाहर का प्रोडक्शन हाउस हायर नहीं करता, उनके फादर ही खुद पैसा डाल के पिक्चर बनाते हैं उनके लिए। वीरे दी वेडिंग भी उनकी होम प्रोडक्शन थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पिक्चरें होती हैं, इनकी फंडिंग आती है। एंड हमारे विश्व में देयर आर 50 मोर देन 50 इस्लामिक कंट्रीज, अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन कंट्रीज, मगर कोई भी हिंदू कंट्री नहीं है, क्योंकि हम हिंदू आपस में ही लड़ते हैं, हम हिंदू आपस में ही जलते हैं, जिसकी वजह से हमने अपना ही सत्यानाश किया है। तो शायद ये फंडिंग का इशू हो, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज आर रिच, दुबई एंड एवरीवेयर एल्स यू सी अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज of oil and lot of other things. तो शायद ये funding का reason है, शायद ये threatening का reason है, because Gulshan Kumar जी की भी हत्या हुई थी and his हत्या was not a natural death, it was a हत्या, it was due to some threatening calls and issues from underworld. तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं hold अभी भी है और इस hold की वजह से हम हमारे देश के अंदर इन feminists को देख रहे हैं जो अभी भी सच जानने के बाद, इतना कुछ डिस्कशन होने के बाद, वही की वही बात करते जा रहे हैं और सनातन धर्म को रिग्रेसिव, खराब, ये सब साबित करने पे तुले हुए हैं और दूसरे धर्म की बुराइयों के ऊपर आंखें डालकर बैठे हैं और इनमें से काफी हद तक लेडीज हिंदू हैं। सो दैट इज शॉकिंग। तो ये ऑब्वियसली जताता है कि कहीं ना कहीं शायद अंडरवर्ल्ड स्टिल हैज अ होल्ड, आई डोंट नो, बट एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। धन्यवाद। नेक्स्ट इज शिवानी मिश्रा। हेलो हेलो, हाँ शिवानी जी, आपकी आवाज आ रही है थोड़ा। हेलो, बहुत ही कम आवाज आ रही है, थोड़ा और जोर से आप बात कर सकते हैं या माइक को पास लेके बात कर सकते हैं? एम आई ऑडिबल नाउ? नॉट परफेक्टली। हेलो, प्लीज से आई विल कन्वे द मैसेज, बताइए आपको। डू यू थिंक मुस्लिम पीपल आर यूजिंग फेमिनिस्ट अप्रोच टू हर एंड शाइनबाग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट? पायल जी, आपको आवाज आया? आपको सवाल सुन, ब्रीफली hear some noise, but मैं सुन नहीं पाई। हाँ, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि providing 33% reservation in the parliament to women is considered for a feminism or for a woman empowerment? No, my question is not like that. Please. Okay. My question is, Muslim people are using feminism approach. So do you think that Scheinberg is the best example for that? See, I had put it my question on chat also. हाँ, चैट में से आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं समझ गई वो क्या कह रही है। ओके ओके, आप कहना चाहती हैं कि शाहीन बाग क्या फेमिनिज्म का एग्जांपल है?
am I right? ये आपका question है? Yes, yes. जी हाँ, शाहीन बाग फेमिनिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि शाहीन बाग के अंदर जितनी भी औरतें थी वो ऑब्वियसली कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकली होंगी इस इंसिडेंट के पहले. उन्होंने अगर घर से बाहर निकलना भी चाहा होगा तो बुरखे में निकली होंगी, बिकॉज शाहीन बाग में जितनी भी औरतें थी वो सब बुरखे वाली लेडीज थी. तो ये लेडीज सडनली एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मैटर्स. तो जिस देश के अंदर आज तक लोगों को ट्रैफिक रूल्स नहीं समझ पड़े, जिस देश के अंदर औरतों को ये समझ नहीं पड़ा कि शाहबानो केस के अंदर क्या हुआ था एंड कैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट राजीव गांधी ने चेंज कर दिया था फॉर वोट ऑफ मुस्लिम पुरुष. जी हाँ, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में वोट किया था, क्योंकि ट्रिपल तलाक वाज सपोज्ड टू बी नॉट लीगल इन इंडिया. मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को राजीव गांधी ने ओवरराइड कर दिया टू गेट हिज मुस्लिम वोट्स. तो जो औरतें ये थॉट नहीं समझ पा रही, जो औरतें एक्चुअली भारत में रहकर ट्रिपल तलाक के फेवर में बोल रही थी, जहां पर उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर एक पुरुष विदाउट एनी रीजन उसे डिवोर्स दे सकता है, जबकि वो पुरुष और वो महिला आर मैरिड इन इंडिया एंड इंडिया के अंदर इंडियन कोर्ट्स है और उस कोर्ट्स के अंदर सभी धर्मों के लोगों को एक रूल द्वारा डिवोर्स मिलेगा, वो दिखाता है कि वो औरतें कितनी ब्रेन वॉश थी कि वो एक्चुअली ट्रिपल तलाक को सपोर्ट कर रही थी जब तक वो अबॉलिश नहीं किया गया. तो ये औरतें एक्चुअली अब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही हैं सीएए के नाम पे, जिनको सीएए का फुल फॉर्म तक नहीं पता, जो ऑब्वियसली ये भी नहीं जानती थी कि सीएए का भारतीय नागरिक से कुछ लेना देना नहीं है. सो दिखाता है कि वो एक्चुअल एग्जाम्पल्स है फेमिनिस्ट की, क्योंकि हमारे देश के अंदर आलिया भट्ट भी एक फेमिनिस्ट है जो समझती है कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे पृथ्वीराज चौहान. तो फेमिनिज्म का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना वो सेम है विद दैट ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्टिंग लेडीज, क्योंकि वो प्रोटेस्टिंग लेडीज को भी लगता था कि सीएए से उनकी नागरिकता चली जाएगी, और आलिया भट्ट को भी लगता है कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे पृथ्वीराज चौहान. So same comparison and a very good question. धन्यवाद. Next is उर्वित भारत. Hello. Hello. नमस्कार मैडम. नमस्ते. हाँ मैडम, मुझे जानना था कि ये बॉलीवुड में ऐसे कितने प्रोपागंडा एंटी नेशनल्स हो गए, क्योंकि वो तो हमको पहले पता ही नहीं था, लेकिन ये जेएनयू सीए आने के बाद पता लगा कि ये सारे भी अंदर एंटी नेशनल बॉलीवुड में भरे हुए हैं. तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोपागंडा से पूरे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं? आपको पता चलेगा, आई थिंक चल चुका है, बिकॉज आप देखिए कि आपके साथ जो भी होता है, चाहे वो सीएए हो चाहे वो एनआरसी जो अभी तक लागू नहीं हुआ हो, इसका सबसे ज्यादा विरोध बॉलीवुड के वो लोग करते हैं जिनको आई थिंक आप वर्शिप करते हैं. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा है, बिकॉज आप कैसे समझते नहीं है कि ये लोगों को समझ नहीं पड़ता कि सीएए क्या है. सीएए नागरिकता देने का कानून है. वो किसको? जो लोग धार्मिक प्रताड़ता में फेस करते हैं इन इस्लामिक नेबरिंग कंट्री. तो जो कानून खाली रिलीजन के बेसिस पे जो प्रोसिक्यूशन फेस करने वाले माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देता है, उस कानून के बेसिस पे बॉलीवुड ने ऑब्वियसली शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया था, चाहे वो फरहान अख्तर हो या कोई अरुंधति रॉय हो जो एक अपने आप को इंटेलेक्चुअल राइटर बोलती है. तो ये लोग ऑब्वियसली एक सिंपल चीज को बढ़ा चढ़ाकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर देते हैं, और इस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में मासूम मुस्लिम लोगों को भी बहकाते हैं. तो हमें समझना चाहिए, आप जैसे लोगों को जो ऑब्वियसली समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, सीए का फुल फॉर्म जानते हैं, सीए के बारे में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे बॉलीवुड के लोग आपको बहका रहे हैं. एंड यू शुड नॉट गेट ब्रेन वॉश्ड. आपने देखा होगा एक कोई स्वरा भास्कर करके लेफ्टिस्ट है, वो भी एक फेमिनिस्ट है, जिसने सोनम कपूर की पिक्चर के अंदर
एक सीन किया था जिस सीन की वजह से वो फेमस हो गई. तो ये स्वरा भास्कर को जब एक लेडी जर्नलिस्ट रूबीना करके कोई लियाकत करके जर्नलिस्ट है उसने उत्तर प्रदेश के कोई डिबेट में पूछा कि ये सीएए का ड्राफ्ट है उनके पास, आप वो ड्राफ्ट पढ़िए, उसने वो ड्राफ्ट पढ़ने से इनकार कर दिया और इतने महीनों से वो दिल्ली और जेएनयू और सब जगह बैठ के कागज नहीं दिखाएंगे कागज नहीं दिखाएंगे वो प्रोपेगेंडा कर रही थी. तो उसकी वजह से कितने सारे लोगों ने डिफिकल्टीज फेस करी होगी. और शाहीन बाग के अंदर तो मैंने सुना कि एक लेडी का बच्चा गुजर गया बिकॉज वो सो कोल्ड एट दैट टाइम इन दिल्ली, मगर वो लोग ऑब्वियसली वहां पर बैठे रहे और अपने बच्चे की मौत के बाद भी वहां पर बैठे रहे. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये करने से शायद उनका जो भी थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस को समर्थन मिलता रहेगा. और वो थॉट प्रोसेस था कि सीएए ऑब्वियसली मुसलमानों के खिलाफ है, जो कंप्लीटली एक गलत विचारधारा थी. सो आई बिलीव कि बॉलीवुड एक एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा करता है. आप लोग ऑब्वियसली इस बात को समझिए, पहचानिए एंड अपने जहन में डालिए कि कौन से एक्टर्स ऐसा करते हैं आपके साथ. जी धन्यवाद. अगली है दिशा पुरोहित. हेलो. हाँ जी. जी नमस्ते. नमस्ते. So, do you think that feminists are also concerned about the impact of globalization on women in India? Feminists are concerned. What are you saying? Come again. आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? कर दे चुप. Can you repeat the question, please? Hello. हाँ जी. The feminists are concerned about the impact of globalization on women in India. Okay. See, globalization is happening since not last 5 years, but it has been a process. जैसे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से हमें हमारी आजादी मिली, एक वो एक जोन था जब इंडस्ट्रीज का बूम था, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन एक न्यू थॉट प्रोसेस है, एक न्यू वर्ड है. अब फेमिनिस्ट का क्या है, जैसे आप अगर मिस इंडिया को भी देखें या मिस वर्ल्ड को देखें, एक जोन होता है. इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है. आपने देखा होगा कि एक समय था जब प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, लारा दत्ता तीनों के तीनों इंटरनेशनल टाइटल्स जीते. उस समय मैं भी मिस इंडिया में थी. आई वॉज अमंग द लास्ट 9 फाइनलिस्ट. मगर क्या आपको लगता है कि ये तीनों के तीनों एक ही ईयर में इंटरनेशनल टाइटल्स जीत सकते थे without any planning about these international market giants wanting to enter India? No, it's not possible. So everything is a pre-decided move. Bharat itna bada market hai jis market ke andar sabko ghusna hai because everybody wants to earn money at the end of the day. Ab China जिसके टिकटॉक को आप मैं बहुत सारे भारतीय लोग यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन द्वारा चाइना ऑब्वियसली हमारी इंफॉर्मेशन को टैप करता है. मगर भारतीय लोग ऑब्वियसली टिकटॉक को अभी तक बैन नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि उन्हें वो एप्लीकेशन पसंद है. तो भारत में प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ डील करते हैं. एंड फेमिनिस्ट हो या लिबरल्स हो या सेक्युलर्स हो, ये सब ऑब्वियसली किसी विचार इसी जो विभिन्नता का फायदा उठाते हैं और अपना कार्ड या अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं. तो मैं समझती हूँ कि भारत के अंदर ऑब्वियसली ये जो बरखा दत्त, यस बरखा दत्त इज सपोज टू बी दिस ग्रेट इंटेलेक्चुअल राइटर जिसको पद्मश्री मिला कांग्रेस सरकार के अंदर, वो अभी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती है. राणा अयूब ये भी एक दूसरी फेमिनिस्ट है, मुस्लिम लेडी है जो भी लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर. तो ये जो लेडीज हैं ये ऑब्वियसली अपने आप को फेमिनिस्ट भी कहती हैं. तो ये इंडिया की बुराई करेंगे, इंडिया के अंदर बुराई कर, इंडिया की बुराई करना यानी हिंदू रिचुअल्स की बुराई करना, ये करके वो ऑब्वियसली वेस्टर्न मार्केट में अपना फेमिनिज्म का एजेंडा फैलाएंगे. सो इट इज अ टू वे स्ट्रीट बिकॉज
there are a lot of Islamic countries and there are a lot of Christian countries. Magar India is the only Hindu country, technically. Magar wo established Hindu country nahi hai on record. So, isliye feminism dwara bhi bahut kuch kara ja raha hai to impact the Indians and the Indian market. Ji, dhanyavad. Agle hai Megha Chittalia ji. Yes, we can hear you, but आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही लो आ रहा है. थोड़ा माइक पास में रख के बोल सकते हैं? No. आप ऐसा करिए, आप अपना क्वेश्चन आप चैट में डाल दीजिए. आई विल मैं ये आपका क्वेश्चन पायल जी को कन्वे कर दूंगा. My light is shifted, so I'm moving from one place to another. Okay. So, अगले हैं संजय राव जी. आपकी आवाज भी नहीं आ रही है. संजय जी बताइए. जी नमस्कार सर. सर मेरा मैम से क्वेश्चन ऐसा है कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व वो राइट फ्रॉम बर्थ, जब से मानव जीवन का जन्म हुआ है तब से है, और आज भी हमको लोगों को क्यों समझाना पड़ रहा है? ऐसी तो हम में क्या खामी रह गई? खामी ये रह गई सर कि आपने नहीं, आपके पूर्वजों ने कभी भी अपने अस्तित्व को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्न नहीं किया. हमने हरदम बोला इट इज ओके दैट अदर पीपल से फनी थिंग्स अबाउट आवर गॉड्स, you know, make fun of our Devi and Devtas, and we laugh about it. Ji haan, PK film, Bharat ki ek hit feature film thi, jo Aamir Khan ne produce kari thi, Aamir Khan ne act kiya tha, and PK film ke andar hamare bhagwanon ka mazaak udaya gaya. And hum Hinduon ne us film ko hit banaya, kyunki technically to Hindu majority hai Bharat ke andar, abhi tak. We don't know exactly, क्योंकि शाहीन बाग को देख के तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक मेजोरिटी रहेंगे, क्योंकि एक दूसरी कौम तो फटाफट बच्चे पैदा कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन जिहाद. तो हमने सर कभी भी अपने अस्तित्व को फोर्स नहीं किया है, और यही हमारी खामी रही है. तो इसलिए हमारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अस्तित्व को एस्टैब्लिश करिए. आपका अस्तित्व एस्टैब्लिश कैसे होता है? टीका लगाने से लगाइए टीका, बिंदी लगाने से लगाइए बिंदी, रुद्राक्ष पहनने से पहनिए रुद्राक्ष, सैफरन कलर का कपड़ा पहनने से पहनिए. आप अपना अस्तित्व एस्टैब्लिश करिए. यू शुड नॉट बी अशेम्ड टू वेयर अ टीका, टू पुट अ बिंदी, टू वेयर अ भगवा रंग का कपड़ा, इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू वेयर. वाई शुड यू बी अशेम्ड? हम लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम लोग घर के अंदर कोने में पढ़ते हैं. क्यों? अगर हमें पढ़ना है तो हम हनुमान चालीसा की बुक एरोप्लेन में ट्रैवल करते करते खोल के क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना अपने मन के अंदर. हमें शर्म क्यों आती है हमारी आस्थाओं के ऊपर? सो दिस इज आवर फॉल्ट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. धन्यवाद. नेक्स्ट इज हरेश पटेल. तो आवाज आ रही है? हाँ. हेलो. हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए. हाँ नमस्ते. मेरा सवाल ये था कि पाल जी की ये जो सवाना आजमी है उसके बारे में कुछ कहिए आप, उसका जो हिडन एजेंडा है. देखिए शबाना आजमी जी के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ था, एंड उसके बाद शबाना आजमी जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर से. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हर, क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत मैच्योर अभिनेत्री कहती है. वो उम्र में भी मुझसे बहुत ज्यादा है, 70 साल की है या 60 साल की तो है. एंड
अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मुस्लिम लेडी होने के बावजूद उसने ये थॉट प्रोसेस प्रमोट करने की कोशिश करी इन वन ऑफ द स्पीचेस कि भगवान राम के मंदिर का जो निर्णय आया वो निर्णय गलत था. तो ये जो थॉट प्रोसेस थी उसकी वो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, क्योंकि एज अ हिंदू हमने 500 साल से वेट किया है भगवान राम के मंदिर को बनने के लिए, भगवान राम का मंदिर बने उसके लिए. एंड जब लीगली सारी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके वर्डिक्ट हमारे फेवर में आता है, तो आप जैसी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मुस्लिम लेडी इस वर्डिक्ट का समर्थन करने की जगह इस वर्डिक्ट का एक मजाक उड़ाने की कोशिश करती है ये स्टेटमेंट कह के कि भगवान राम भी नहीं चाहेंगे ब्ला 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 ब्ला. तो मैं उसके दोगलेपन से काफी नाखुश थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक अच्छी अभिनेत्री है, उन्होंने अवार्ड्स जीता है, मैं उस जोन में नहीं जा रही, मैं किसी के प्रोफेशनल जोन में नहीं जा रही. यहाँ पर मैं अगर उनके बारे में बात करती हूँ तो बात करती हूँ कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है रिगार्डिंग माय कंट्री इंडिया, क्योंकि इंडिया को मुझे इंडिया से प्यार है. एंड इंडिया के लिए वो अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं. तो जो लोग ऑब्वियसली अपने आप को प्रोग्रेसिव मुस्लिम कहते हैं, स्पेशली सबाना आजमी, उनको पता होना चाहिए कि मस्जिद इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू ऑफर ऑफर नमाज. आपको नमाज ऑफर करने के लिए मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, ये एक फैक्ट है. एंड दिस वॉज वन ऑफ द पॉइंट एज एन आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट इन द कोर्ट. साथ साथ में सऊदी अरेबिया जो एक इस्लामिक कंट्री है, या दुबई या व्हाटएवर ऑल द अदर इस्लामिक कंट्रीज जहां पे इस्लाम इज द कंट्री रिलीजन, वहां पर बहुत सारे मस्जिद टूटते हैं और फिर से बनते हैं अलग अलग लोकेशंस पे. क्यों? क्योंकि मस्जिद इज नेवर अ रिक्वायरमेंट टू ऑफर अ नमाज. मगर भारत के अंदर इस बाबरी मस्जिद के ऊपर इतना ड्रामा ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम क्यों करते हैं? अगर उनके लिए मस्जिद कहीं भी बन सकता है और वो नमाज कहीं भी दे सकते हैं, तो उनको वही जगह पे मस्जिद की आवश्यकता क्यों है जिस जगह पे हमारे भगवान राम का जन्म हुआ है? आप मेका में जाते हैं, वहां पर अपनी वर्शिपिंग करते हैं. हम एज अ हिंदू मेका जा भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपके आपके यहाँ का रूल है. मगर आप एज अ मुस्लिम भारत के अंदर रहकर भारत की जो आस्था है भगवान राम के मंदिर की, उसका आप मजाक उड़ाते हैं. सो आई टेक्निकली फाइंड दीज पीपल एज डबल कैरेक्टर्स. एंड शबाना आजमी जी के बारे में मैंने अपनी सोच रख दी थी, एंड आई थिंक शी डिडंट लाइक इट एंड शी ब्लॉक्ड मी. सो दैट इज हर टॉलरेंस लेवल. जी अगले हैं धवल चंदोरा. हाँ जी नमस्ते पायल जी. नमस्ते. पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी सभी बातें हमको बहुत अच्छी लगी और आप बहुत सारे परिवार से जुड़ गई है आज से, और अहमदाबाद से भी काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. प्रहलाद खक्कर जो मार्केटिंग के एक एडवर्टाइजिंग फील्ड के जो है, उन्होंने कहा था कि किसी के घर में जाना है तो दो तरीके से जा सकते हैं. पहले ये है कि क्रिकेट से जा सकते हो या बॉलीवुड से जा सकते हो. आज आपने बॉलीवुड के जो ग्लास सीलिंग्स और बिहाइंड द स्क्रीन्स जो बात बताई वो बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आ गई है. और दो बातें और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि होता है लेट गो की भावना जो है वो अभी रखनी नहीं पड़ेगी, हमको पूरा सब कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली ये चीज होगी कि जब याद रखेंगे तभी हम हो सकता है. तो आपके बात एकदम सही है, वही हिसाब से मैंने आपसे जोड़ा हूं मैं, यही मेरा पॉइंट है. दूसरा ये थे कि एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके पिताजी की तबीयत कभी कैसी है? टच वुड पिताजी इज ओके, बट वो बुजुर्ग आदमी है तो टेंशन तो हरदम रहती है. इसलिए अभी तो मैं अहमदाबाद में ही हूँ एंड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है, तो मैं अभी तो जा ही नहीं सकती अहमदाबाद से. एंड होपफुली भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे परिवार पे, आप सबके परिवार पे भी, क्योंकि ये जो टाइम है कोरोना वायरस का, ये बहुत ज्यादा टेस्टिंग टाइम है और हमें अपना पॉजिटिविटी बना के रखना पड़ेगा, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं एंड हम सबके घर में हमारे पेरेंट्स कोई ना कोई एलिमेंट से सफर करते होंगे.
So we need to take care of them. And I hope ki aapke ghar mein bhi sab theek ho. And aap pray kariye ki mere father bhi theek rahe, kyunki mujhe mere father pasand hai bahut zyada. Mujhe meri family bahut zyada pasand hai. And I get very affected if they are not okay. Ji, hum sabhi aasha karte hain wo jaldi theek ho jayenge. Agla prashn puchne wale hain Chintan Mehta ji. Okay, Chintan ji. Payal ji, namaskar. Sun rahe hain? Ji, haan ji, Chintan. भाई जी, अभी आपने जो सबरीमाला की बात की वो हिंदुइज्म के लिए नेसेसरी चीज है, तो आपको मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि मेंसेस पीरियड वुमन स्पेसिफिकली अभी जो यंग जनरेशन है वो ये सब में विश्वास नहीं करती है, तो आप लोग जो मीडिया में बहुत ही ज्यादा ट्रॉल रहते हो उनसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप एंड यंग जनरेशन तक ले जाए कि जिससे उन लोगों में इस चीज की अवेयरनेस आए। देखिए, मैं यंग जनरेशन की किया था जब मैं एक डिबेट कर रही थी अर्नब गोस्वामी के साथ, एंड अर्नब ने फिर से सबरीमाला के वर्डिक्ट को सपोर्ट किया था, जहां पर वो वर्डिक्ट के अंदर कहा गया था कि आप लेडीज को अलाउ करिए जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में है इन सबरीमाला मंदिर। तो मैंने अर्नब गोस्वामी को बोला था कि ये थॉट प्रोसेस आपकी गलत है, क्योंकि आपको इस टेंपल की आस्था के बारे में नहीं पता जो हजार साल से पुरानी आस्था है, और आप सिर्फ अपने जेंडर इक्वालिटी के नाटक के अंदर एक आस्था को टारगेट कर रहे हैं, जबकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ ट्रिपल तलाक, इट इज नॉट रिलेटेड टू विमेन्स राइट, क्योंकि विमेन को बाकी लॉर्ड अय्यप्पा की टेम्पल्स में जाने का राइट है एक्सेप्ट सबरीमाला, एंड सबरीमाला के अंदर बिकॉज लॉर्ड अय्यप्पा का ब्रह्मचार्य अवस्था है, इवन द मेन आज पुरुषों को कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आई थिंक 40 दिन का फास्ट करना पड़ता है, नंगे पैर ही रहना पड़ता है, अल्कोहल नहीं ले सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, काला कपड़ा पहनना पड़ता है, देयर आर रूल्स। तो हमारे को समझना चाहिए कि हर एक जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं, मगर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं इस जेंडर इक्वालिटी के नकाब के पीछे, जैसे वो फेमिनिज्म के नकाब के पीछे सर्वाइव करते हैं। तो हम हिंदुओं को अपनी बातें रखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला, और फिर से जब सबरीमाला का रिव्यू पिटीशन आता है तो आप फिर से अपनी बातें रखिए, जोर शोर से रखिए, कहिए कि क्यों वहां पर मेंस्ट्रुएटिंग विमेन आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मंदिर है जहां पर भगवान का ब्रह्मचार्य का स्वरूप है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न पूछने वाले हैं हमसे जॉली टिकम जी। एंड दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन प्लीज, बिकॉज़ आई नीड टू गो। या या हाँ जोली जी, हेलो। हाँ, कैन यू हियर मी? या प्लीज। हाँ, नमस्ते पायल जी। नमस्ते जोली जी। ओके, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, एंड यस, हिंदू होने के लिए गर्व होना ही चाहिए, और हम लोग ही है जो हमारे खुद के धर्म को लोगों के सामने मजाक बना के रख देते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको वो दिखाई देता है कि शायद कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम इयर्स हम लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे जिस तरीके से ये चल रहा है? डेफिनेटली, अगर आप अभी भी अपने अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी आस्था के लिए अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ये तो पूछने की बात है ही नहीं, क्योंकि आवाज उठा एक्सक्यूज मी हाँ आवाज नहीं, लेकिन जो उनका जो पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है, हाँ, तो जिस तरीके से हमारे को एक साथ मिलकर हमारे सरकार को बोलना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, एक्चुअली कंट्रोल बिल लाओ, शाहीन बाग के एग्जाम्पल द्वारा आपको पता चल गया है कि कितनी सारी औरतें हैं और इन औरतों ने कितने सारे बच्चे पैदा किए हैं, जबकि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, एक छोटे से कमरे के अंदर
12 लोग रहते हैं एंड दिस इज अ फैक्ट क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से. और हम हिंदू लोग इतने 4 बेडरूम के घर के अंदर भी अपने आप को बोलेंगे कि ओ माय गॉड कम जगह है, हमें और घर चाहिए. यू नो हम लोग साफ सफाई और बहुत सारी और चीजों में ज्यादा इम्पोर्टेंस, मगर ये लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने में थॉट प्रोसेस अपना रखते हैं और एक कमरे में रहते हैं. सो देयर थॉट प्रोसेस इज नॉट हेल्दी. हेल्दी नहीं है कि आप अपने लाइफ में इतने बच्चे पैदा करें विदाउट इवन थिंकिंग कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा. तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, दिस इज अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, तो वो ऑब्वियसली एक पॉपुलेशन जिहाद है. एंड कश्मीर का इंसिडेंट तो 1990 में हुआ था जब हम भी छोटे थे, मगर हमने भी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं देखी बाय द हिंदूज. कश्मीरी पंडित इतने सालों से भारत में घूम रहे थे रेफ्यूजीज की तरह, मगर उनके लिए कोई भी फेमिनिस्ट ने अपनी आवाज नहीं उठाई. सो अब हमें समझना चाहिए बिकॉज हमारे पास मोदी जी हैं एज अ प्रधानमंत्री एंड इन 2024 वी नीड टू गेट हिम बैक इफ ही इज यू नो कैंपेनिंग अगेन विद मोर मेजोरिटी सो दैट हम ये देश में हिंदुओं के लिए कुछ कर सके. अदरवाइज हम हिंदू अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद पायल जी आपका समय देने के लिए. मैं बस ये कहना चाहूंगी कि व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर यूथ लाइक अस. आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप नेटफ्लिक्स के जमाने में हैं एंड नेटफ्लिक्स के जमाने में वो शोज नेटफ्लिक्स पे दिखाए जाते हैं जहां पर हिंदुत्व टेररिज्म के बेसिस पे स्टोरीज सेल की जाती है, चाहे वो दीपा मेहता का कोई नेटफ्लिक्स का शो क्यों ना हो. मगर आप उस जोन में पैदा होकर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्कृति को समझने का, अपने माँ बाप की बात सुनने का, दैट इज एप्रिशिएबल. एंड मैं खाली इतना ही कहूंगी कि आई एप्रिशिएट कि आप इतना तो कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर पा रहे, तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत एप्रिशिएबल है. अगर आपसे ऑब्वियसली हो पाए तो और नौजवानों को इन्फ्लुएंस करिए. उनको आप फोर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मगर उनको आप बताइए कि ये टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू माय धर्म एंड ये टॉपिक्स को रिग्रेसिव बोला जाता है, और ये टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दिस अदर रिलीजन और आपको ये टॉपिक्स रिग्रेसिव नहीं लगते, मगर आपको मेरे धर्म के सारे टॉपिक्स रिग्रेसिव क्यों लगते हैं? क्योंकि आप एक लॉजिकल जमाने में पैदा हुए हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आपके पास पावर है अपने ब्रेन को यूज करने का. तो उसके बावजूद आप कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं और फेमिनिस्ट और लिबरल्स और सेक्युलर्स की सारी बातें मान लेते हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे शॉकिंग लगता है. सो होपफुली नौजवान विल यूज देयर हेड मोर एंड ट्राई टू रैशनलाइज एवरीथिंग.